एक समय की बात है, हर कोई खुश रहना चाहता था लेकिन ऐसा कहीं भी दिख नहीं रहा था। तो इसी को बनाने के लिए, इसी को संभव करने के लिए हम एक कहानी कहने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कहानी है कि एक खाने का जगह है और उस खाने के जगह में जो कोई खाना खाने जाते हैं और खाने के बदले वहाँ कुछ पैसा दे देते हैं और खाना खा के वह वापस लौटते हैं तो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं खा करके, और संतुष्ट होने के बाद वो खुशी महसूस करते हैं। ऐसा करने वाले जब खाना खाने के जो बदले में जो पैसा चुकाते हैं वो कभी उसके पास 10 रुपया होता है 10 रुपया देते हैं, कभी वो 20 रुपया देते हैं, कभी को 30 रुपया देते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जिसका सामर्थ्य जितना है उतना दे देते हैं, फिर वो उसके बदले में खाना खाते हैं और पूरी तरह संतुष्ट, जो भी जाते हैं वो भी खाना खाते हैं और संतुष्ट होकर लौटते हैं। यहाँ तक कि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी जाते हैं, वो भी संतुष्ट होकर लौटते हैं। और एक ही व्यक्ति हो सकता है एक दिन ज्यादा पैसा दूसरे दिन कम देते हैं, लेकिन उसकी संतुष्टि खाने के बाद जो संतुष्टि और खुशी होती है, अब जब खाना संतुष्टि से खाते हैं और उसके बाद एक अच्छा महसूस करते हैं, तो वैसा हर व्यक्ति के साथ हो रहा था। तो ऐसे उस खाने वाले जगह को आप सुन करके आश्चर्य होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही लगता है कि इतना ऐसा, अगर ऐसा खाने का जगह होता तो शायद बहुत अच्छा होता, लेकिन वास्तव में ऐसा ही है। जो है वो हम खाने वाला जगह जो हमारा मन है, जैसे अपने मन में बोलते हैं अच्छा ये सब ठीक है, हम जब मन में बोलते हैं कि ठीक है ये ठीक है, हमारा जो घर है वो ठीक है, हम जो कर रहे हैं अगर उससे हम संतुष्ट हैं, हमारे पास जो जैसा जो रूप है, चाहे हम काले हैं चाहे गोरे हैं चाहे लंबे हैं चाहे छोटे हैं, हाँ हम संतुष्ट हैं। तो जैसे ही हम अपने दिमाग को ये बताते हैं कि हम संतुष्ट हैं, तुरंत हमारे दिमाग के अंदर एक खुशनुमा माहौल छा जाता है। जैसे कोई घटना होता है, घटना आपको बताया जाता है, वो घटना के बाद आपको बुरा लगता है, फिर बताया जाता है वो घटना से आप कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि आप आने वाले समय में उस तरह की घटनाओं को बचा सकते हैं, यानी आपको सीखने का मौका मिला है, तो फिर आप खुश हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसके बारे में हम सोचने का तरीका बदलते हैं तो हमारा जो मन के अंदर जो दुखी वो खुशी में बदल जाता है। यानी मन ही ऐसा चीज है जहाँ पे हम सीधे तौर पे बोल दे कि हाँ हम संतुष्ट हैं, हाँ हमारे पास जो है वो ठीक है, या हम हमारी जिंदगी ठीक है। तो जैसे ही आप बोलते हैं ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, तो आपके दिमाग के अंदर संतुष्टि मिलने लगता है। चाहे आप कितने पैसा कमाते हो, कितने बड़े पोस्ट हो, उसे बहुत कोई मतलब नहीं रहता इसमें। तो मेरा कहना है कि कहानी ये हमारा जो खाने का जगह हमारा मन है, और हमारे मन के अंदर जैसे हम इस विचार डालते हैं कि हाँ भाई जो भी है ठीक है, या ऑल इज वेल सब कुछ ठीक है, या ठीक हो जाएगा, या उम्मीद जगाते हैं, या सिचुएशन से रिएक्ट नहीं करते हैं, अच्छा कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, तो ऐसी कोई भी चीजें हम बोलते हैं हमारा मन सीधे तौर पर संतुष्ट हो जाता है। तो हमारा कहना है कि हर कोई संतुष्ट हो सकता है, हर कोई खुश हो सकता है। जैसे कि खुशी होने के लिए बहुत बड़ा धनवान होना ही जरूरी नहीं है, बहुत बड़े पोस्ट पे जाना ही जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो सबसे बड़ा पोस्ट पे है वो सबसे ज्यादा खुश हो सकता है। खुश होने के लिए कोई भी आदमी अकेले कहीं भी हो और वो अपने मन से अपने आप से कहे हाँ ठीक है, यानी हमारा दिमाग बाहर की चीजों से हमेशा रिएक्ट करते रहता है, उसके बारे में बताते रहे, प्रतिक्रिया देते रहता है। लेकिन जैसे हम प्रतिक्रिया देते हैं, हम बाहर की चीजों देख करके हाँ ठीक है, हमारा मन उस वक्त शांति में शांत हो जाता है, और शांत से जो होने वाले खुशियां होती है, संतुष्टि मिलती है, उस अनुभव को हम लोग खुशी कह सकते हैं, जो कि किसी के लिए भी कहीं भी चाहे जितना पैसा कमाता हो चाहे जिस पोस्ट पे हो ये संभव है। यही है वो खाने का होटल जहाँ आप जो जैसे जब जैसे आप बताइएगा वैसे आपका हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर खाना खा के आप असंतुष्ट हो जाते हैं तो ये आपके ऊपर सीधे तौर पर निर्भर करता है। संतुष्टि अगर चाहेंगे तो हर बार आपको मिलेगा, क्योंकि आपका दिमाग है और आपको उस प्रतिक्रिया देना है। अगर आप प्रतिक्रिया खराब नहीं देते हैं तो आपका मन संतुष्ट हो जाता है, अगर प्रतिक्रिया खराब देते हैं आपका मन असंतुष्ट हो जाता है। ये प्रतिक्रिया आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर ट्रेन रास्ता में जाम लगा हुआ है तो क्या होता है, आप गुस्से में भर जाते हैं, लेट हो जाते हैं, फेल हो जाता है, गुस्से भर जाते हैं। उस गुस्से की जगह आप थोड़ा मिनट अपने सांस पर ध्यान देते हैं, सबका मन शांत हो जाता है, उतना देर आपको एक आराम करने का मौका मिल जाता है। और जब मन शांत हो जाता है, कुछ देर शांत हो जाता है, तो शरीर के अंदर स्फूर्ति बढ़ जाती है। जैसे हम सोकर जब उठते हैं तो ज्यादा स्फूर्ति महसूस करते हैं, ज्यादा अच्छा से काम कर सकते हैं। अगर रात भर जगे रह जाए, आता हम काम करने को कहा जाए तो नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ऐसा जगह जहाँ पे ट्रेन के कारण रुकना पड़ रहा है, अगर हम उस अवस्था में जाते हैं, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है,
कि हम चीज को प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। इसलिए प्रतिक्रिया में देने से अपने सोचिए, अगर आपको खुश रहना है तो आपके हाथ में है, आप चाहे तो रह सकते हैं। जैसा कि हमने उस कहानी के माध्यम से बताया, हर कोई जाकर खुश हो रहा था, इसका मतलब हर कोई जो जा रहा था वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, निगेटिव प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, खराब प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, इसलिए वो खुश हो रहे थे। ऐसा कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को सुनिए, समझिए, और जब अकेले में हो, कभी भी हो, उसको सोचने का प्रयास कीजिए कि हम जो प्रतिक्रिया देते हैं उसी कारण हम दुखी भी होते हैं और उसी कारण हम कभी कभी खुश होते हैं। लेकिन चूंकि हम बारी चीज से प्रतिक्रिया देते हैं, किसी एक चीज देते हैं, तो प्रतिक्रिया का उल्टा प्रोटे का होता है। लेकिन हम प्रतिक्रिया देना कम करते हैं या प्रतिक्रिया हम थोड़ा बदलाव कर लेते हैं, इस तरह से देते हैं कि हमारा संतुष्टि बनता है, तो आपकी संतुष्टि, आपकी खुशी को रोकने में कोई भी रोक नहीं सकते। यानी आप हमेशा के लिए खुश हो सकते हैं, चीजों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। धन्यवाद।